हमीरपुर बाजार में जिला प्रशासन के रेलिंग लगाने के फरमान के बाद जनवादी नौजवान सभा की अगुवाई में रेड़ी फेरी लगाने वालों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि बाजार में रेड़ी फेरी धारकों को रेड़ी लगाने के लिए जगह दी जाए ताकि उनका कामकाज भी चलता रहे। जनवादी नौजवान सभा के सदस्य अनिल मनकोटिया ने बताया कि रेड़ी फेरी वालों का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिला और उन्होंने मांग की है कि बाजार में रेलिंग लगाने के बाद उनका काम ठप हो जाएगा तो उनको रेड़ी लगाने के लिए जगह मुहैया करवाई जाए ताकि वो अपना व्यवसाय वहां पर चला सकें। जनवादी नौजवान सभा की तरफ से हमीरपुर के अंदर जो रेड़ी फेरी यूनिट है उनका एक डेलीगेशन जिस हिसाब से मिला, जो अभी हाल ही में डी साहब ने निर्देश दिए थे कि बाजार के अंदर रेलिंग लगानी है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो कुछ एक लोग जो रेडी लगाते हैं इनको वहां से हटाने का भी उन्होंने निर्देश दिए थे, उसको लेकर हम डी साहब से मिले और उनसे मांग की है कि एक अल्टरनेट या तो उनको कहीं जगह वहां पर दी जाए जहां पर उनको रेडी लगाने की इजाजत दी जाए, या फिर जो कुछ एक लोग उसमें वैसे भी हैं जो जिनके जो रेडी के टायर हैं वो लगातार बाजार में चलते रहे, अपना धंधा जो है वहां पर चलाते रहे, तो इसको लेकर डी साहब ने आश्वासन दिया है कि आप रेडी तो चला सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ आप इसी जो है उनसे मिलें, और उनको उन्होंने निर्देश दिए भी हम किसी साहब से मसले को लेकर मिलने जा रहे हैं।